नमस्कार, देश रोजाना पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भूमिका है और प्रस्तुत है आज का खास बुलेटिन, जिसमें देश विदेश से लेके हरियाणा तक की खास खबरों का हम रुख करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की, आज के खास सुर्खियों के साथ। केशव मौर्य ने बटेंगे तो कटेंगे नारे का समर्थन किया, एक दिन पहले खुद को किया था अलग। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में अग्निकांड, अस्पताल की स्थिति गंभीर बनी हुई। वंदे भारत ट्रेन के खाने में निकला कीड़ा, कर्मचारी ने बताया जीरा, कॉन्ट्रैक्टर पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। टीवी शो अनुपमा के सेट पर क्रू सदस्य की दर्दनाक मौत, शूटिंग जारी रखने पर किया जा रहा सवाल। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई ऑनलाइन कराने का आदेश जारी। कैसियो ने लॉन्च की स्मार्ट रिंग, जिसमें LCD डिस्प्ले और अन्य फीचर्स मोह रहे बायर्स का मन। महाराष्ट्र चुनावी समर्थन में वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध, फडणवीस का गाना जागो हिंदू जागो जारी। बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा ने पार्टी छोड़ी, आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया, क्या बीजेपी में शामिल होंगे। राजस्थान पुलिस ने फरार अपराधी की गिरफ्तारी पर 25 पैसे का इनाम घोषित किया। रुक करते हैं हरियाणा की खास खबरों की ओर। कोहरे और ठंड के कहर से पलवल में बड़ी दुर्घटनाएं, प्रदूषण स्तर भी हुआ खतरनाक। जी हां, पलवल जिले में बृहस्पतिवार को घने कोहरे और ठंड के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई, जिससे सड़क हादसों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर खटेला गांव के पास एक बड़ा हादसा हुआ, जहां बल्लभगढ़ से आगरा जा रही बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 25 लोग घायल हो गए, जिसमें से 10 की हालत अति गंभीर बताई जा रही है। और एक और दुर्घटना में होटल नू रोड पर फॉर्चूनर कार ने 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को रेंगते हुए गाड़ियों को चलाना पड़ा। वहीं ठंड बढ़ने से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक 190 तक पहुंच गया। इस बीच प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिससे नागरिकों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ विवाद, पंजाब और हरियाणा के बीच गहराता संघर्ष, समाधान की राह दिखती नहीं। जी हां, पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ को लेकर विवाद लंबे समय से जारी है। 1966 में हरियाणा के अलग होने के बाद से दोनों राज्य चंडीगढ़ पर अपना हक जताते रहे हैं। 2014 में केंद्र और हरियाणा में भाजपा सरकार बनने के बावजूद चंडीगढ़ विवाद का समाधान नहीं निकल पाया। अब हरियाणा में चंडीगढ़ में नया विधानसभा भवन बनाने का मुद्दा और गहरा गया है। पंजाब और हरियाणा के भाजपा नेता इस पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। चंडीगढ़ में 60-40 के अनुपात को लेकर विवाद अब भी कायम है। इसके अलावा SYL नहर चंडीगढ़ के प्रशासक पद और दोनों राज्यों के लिए अलग हाईकोर्ट बनाने के मुद्दे भी सालों से विवादित हैं। 1991 से लेकर 2007 तक तीनों जगह कांग्रेस और भाजपा की सरकारें होने के बावजूद इस विवाद का समाधान नहीं हो सका। चंडीगढ़ की सिटी ब्यूटीफुल के रूप में पहचान के बावजूद राजनीतिक उलझनों ने इसे सुलझने से रोका है। शादी के अगले दिन नवेली, दुल्हन फरार, जेवरात और कैश लेकर पति सास को दिया नशीला पदार्थ। जी हां, हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखौदा इलाके में हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी के अगले ही दिन एक नई नवेली दुल्हन अपने पति और सास को नशीला पदार्थ देकर घर से फरार हो गई। घटना के अनुसार दुल्हन ने अपनी शादी के दिन पति और सास को चाय में नशीली चीज मिलाकर दी, जिससे दोनों बेहोश हो गए। बेहोशी का फायदा उठाते हुए दुल्हन ने घर से सोने की जेवरात और नगद पैसे चुरा लिए और फरार हो गई। घटना के बाद परिवार में हड़कंप मच गया, दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी दुल्हन की तलाश भी शुरू कर दी, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है और लोग दुल्हन की नापाक हरकत पर हैरान है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश में दबिश की जा रही है।
दिल्ली के बाद हरियाणा में भी स्कूलों की छुट्टी, वायु प्रदूषण के कारण कई जिलों में बंद किए गए स्कूल। जी हाँ, दिल्ली में पांचवें दिन भी वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है और अब हरियाणा में भी प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण कई जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है क्योंकि हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। राज्य के कई इलाकों में धुंध और स्मॉग के कारण दृश्यता में कमी आई है जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को बाहर ना निकलने और मास्क पहनने की सलाह दी। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर अब लोग सख्त कदमों की उम्मीद कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये था आज का खास बुलेटिन, यहीं पर समाप्त होता है। और अधिक जानकारी, नवीन अपडेट्स पाने के लिए ऐसे ही देखते रहिए आपका मन पसंदीदा चैनल देश रोजाना, बेबाक सच। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।